दोस्तों, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है और अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो एक बार हैंड रेज के क्लिक पे करके मेरे को एक बार बता दो। आई एम ऑडिबल एंड आई एम विजिबल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज रेज द हैंड इन द जूम ऑप्शन। ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो आए दोस्तों, वी आर बैक अगेन। गुड इवनिंग टू ऑल एंड दिस इज आदित्य गोस्वामी। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है आज की मीटिंग में, राइट? सो दोस्तों, हमारी इस मीटिंग के अंदर आपको अगर मैक्सिमम बेनिफिट लेना ना, मैक्सिमम बेनिफिट, क्योंकि हमने कल अपना एक सेशन अटेंड किया था, आप लोगों ने मेरा एक सेशन अटेंड किया था। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, कल का जो सेशन हुआ था, सेशन पे जितने भी लोग आए हैं मेरे हिसाब से सबको वैल्यूज मिली है। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि वो सेशन बहुत अमेजिंग था? मेरे पास रिव्यूज भी आए थे इंस्टाग्राम पे, बोला था कि सर बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करी है और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड की और भी चीजें हमें पता लगे काम के बारे में, हम कैसे सेटल डाउन हो जाए, हम कैसे अपना करियर बिल्ड करें। सबका मेरे को पार्टिसिपेशन चाहिए। हैंड रेज पे क्लिक करके मेरे को बताओ। ग्रेट, बहुत अच्छे। सो दोस्तों, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं और मैं चाहता हूं कि अगर आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो तो अपने आपके घर में जो भी बड़े हैं, आपके मॉम डैड, आपके भाई, जो आपकी हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में या जो आपको सपोर्ट करते हैं जब भी आप कोई नया काम या कुछ भी चीज अगर आप स्टार्ट करते हो, जिनसे आप सजेशंस लेते हो, मैं चाहता हूँ कि वो आपके साथ मीटिंग में बने रहें। आधे घंटे की हम मीटिंग करने वाले हैं और आधे घंटे के अंदर मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को एक एकांत एरिया में ब्लॉक कर लें, बंद कर लें। जो अगर आप ये लैपटॉप से अगर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो मोबाइल फोन को आप स्विच ऑफ कर दें, और अगर फोन से कर रहे हो तो अपने नोटिफिकेशन को आप हाइड कर दें, जैसे कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। मैं नहीं चाहता कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं और आप डिस्टर्ब हो जाओ और आपके दिमाग से वो चीज निकल जाए, क्योंकि एक बार जो बोल दिया हो बाद में रिपीट नहीं होने वाली है, राइट? और इस सेशन को आपने एंड तक अटेंड करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप कोई भी सेशन एंड तक अटेंड नहीं करोगे तो फिर सिंपल सी बात है, जो क्राइटेरिया एक होता है ना मीटिंग का, वो क्राइटेरिया मीटिंग का एंड में निकल पाता है, जो पॉइंट्स अच्छे अच्छे निकल पाते हैं, समराइज होती है मीटिंग। तो मीटिंग को एंड तक अटेंड करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से मेरा कॉन्सेप्ट, मेरे काम को समझ पाओगे, अर्निंग किस तरीके से करनी है वो आप चीजें आप अच्छे से अंडरस्टूड कर पाओगे। और जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, इस मीटिंग के बाद आपने क्या करना है, जिस भी इंसान से आप कनेक्टेड हो, मतलब जिस भी इंसान को मैंने आपके साथ असाइन करा हुआ है काम को समझाने के लिए, उस इंसान को आपने फोन करना है। फोन करके इस मीटिंग के बाद जो आपके डाउट्स निकल के आते हैं वो डाउट्स आप उनके पूछ के क्लियर करके तभी आप लोगों ने आगे प्रोसीड करना है, राइट? और कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी हैं मेरे हिसाब से, जो मैंने आपको कल रूल्स रेगुलेशंस बताया था वो आप भूले तो नहीं हो ना। रूल्स रेगुलेशंस क्या है? वीडियो ऑन करनी है, मीटिंग अटेंड करनी है, स्टूडेंट बन गया काम को सीखना है, जो भी चीजें यहाँ पे घुसी हुई है उन चीजों को निकाल देना है। इवन जो कल की भी चीजें मैंने आपको सिखाई थी उसको एक घंटे के लिए साइड में कर दो, क्योंकि अब हम पीछे नहीं जा रहे, अब हम एक सीढ़ी ऊपर आ चुके हैं, राइट? तो अब वो सीढ़ी जो ऊपर आ चुके, तो हमें ये सीखना है कि अब आगे वाली सीढ़ी हमें कैसे पार करनी है, ओके? सो मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे अटेंटिव हो जाओ, बढ़िया तरीके से मीटिंग को अटेंड करेंगे और सारी चीजें सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपने एक चीज सुनी होगी कि इफ यू वॉन्ट समथिंग यू नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर डन। मीन्स अगर आपको अपनी लाइफ में वो चाहिए जो कि आपने कभी पाया नहीं, तो आपको वो करना पड़ेगा उस चीज को पाने के लिए जो आपने कभी किया नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे गोल्स बहुत बड़े हैं, हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, और उनको पूरा करने के लिए आज तक हमने वो काम नहीं करे जो काम बाकी लोग कर रहे हैं, जो लोग सक्सेसफुल हैं, तो सिंपल सी बात है, हमें खाली कॉपी पेस्ट करना है, हमें वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो सारी चीजें कामयाब लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके आगे बढ़े हैं। कामयाब लोग आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट जितने भी कामयाब लोग हैं उसमें 99% लोग वही हैं जो लोग बिजनेस करते हैं, वो लोग नहीं है जो नौकरी करते हैं। तो ये जो ऑप्शन है हमारे लिए, कि हमने कल ही एलिमिनेट कर दिया था, जो इंसान अपनी लाइफ में 10-15-20-25 हज़ार रुपए की इनकम को टारगेट कर रहा है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपका नौकरी, जॉब, जो बस खाली काम करना चाहता है, जो अपने कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन आपका जॉब है। पर लेकिन जिस इंसान की भूख थोड़ी ज्यादा है, ज्यादा का मतलब जो ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, टाइम फ्रीडम इंजॉय करना चाहता है, घोड़ा गाड़ी लेना चाहता है, लाइक पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहता है, और कहीं ना कहीं टाइम फ्रीडम को इंजॉय करके फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अपनी लाइफ को खुद ही चलाना चाहता है, उन लोगों के लिए दूसरे ऑप्शंस होते हैं कि वो जॉब से अलग जो भी करियर या जो भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है आज के टाइम पे, उन चीजों को समझें और जो भी उनको बेस्ट सूट करे उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको करना स्टार्ट करें।
अब हम बात करें बिजनेस की। देखो कल हमने ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बात की थी, राइट। अब बिजनेस में मेन चीज है, मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि सबको पता है कि धंधे में ही ज्यादा पैसा है, पर लेकिन हमने ट्रेडिशनल बिजनेस करना है नहीं, करना होता तो हम घर पे कर रहे होते। पर लेकिन एक ऐसी चीज होती है कि अगर किसी चीज को हम स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस का मॉडल होता है ना, हर एक चीज वहां से ही आपकी निकलती है, वहीं से जनरेट होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझना। जैसे कि इमेजिन कर लो, आप लोगों ने अपना कोई ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करना है, इमेजिन कर लेते हैं कि हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। हेलो सारे लोग, वो मेरे साथ सुन रहे हो सारे लोग, ओके। अगर हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हमें चार चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, चार चीजों की। ध्यान रखना, ये ऐसी नॉलेज है जो आपको एमबीए में नहीं पढ़ाई जाएगी, तो इसको गौर से हमने समझना है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी होती है मनी, पैसा। कोई भी बिजनेस हजारों लाखों रुपए से स्टार्ट